मैं डॉक्टर नन्नी मित्तल सक्सेना हॉस्पिटल सोनीपत से बात कर रही हूँ। इसमें मैं एज ए गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन काम कर रही हूँ। अब हम बात करेंगे मदर्स मिल्क के ऊपर, ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर। ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। यदि कोई लेडी ब्रेस्ट फीड नहीं करती है तो शायद आगे ज़िंदगी में वो पछताएगी कि मैंने अपने बच्चे को अमृत जैसे चीज़ से वंचित कर दिया। इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग ये एकदम ज़रूरी और अच्छे से करना चाहिए। इमीडिएटली बर्थ के बच्चे जैसे जन्म होता है उसको थोड़े ही टाइम में ब्रेस्ट के ऊपर लगाते हैं और आधे घंटे में तो फर्स्ट फीड उसको स्टार्ट कर देनी चाहिए। उससे रिफ्लेक्स सुनकर सकिंग रिफ्लेक्स अच्छे से डेवलप हो जाता है। सेकंड जो गलत वो बने हुए हैं कि पहले शहद पिलाना है, बच्चे को नहलाओ, उसके बाद में वो दादी गोदी लेंगी, फिर वो ऊपर का पहले दूध वो चम्मच से पिलाएंगी, वो सब गलत है। पहले मदर मिल्क स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जो मदर मिल्क शुरू में होता है वो कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, उसमें गाढ़ा या पानी जैसे आता है फिर गाढ़ा आता है, तो वो जो दूध होता है वो बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाता है, फिर वो बच्चे को चेस्ट के साथ में मदर के लगने के वजह से उसमें जो वॉर्म्थ आती है वो बच्चे को बहुत फ़ायदा देती है। इतने दिन तक तो अंदर रहा रहता है और सडनली आप उसको बाहर करके चादरों में लपेट के रख दो, जब वो मदर के चेस्ट से लगा रहता है तो वो वॉर्म्थ जैसे कंगारू अपने बच्चे को लगाता है। आजकल तो प्रीमैच्योर बच्चों के लिए कंगारू कह रहे हैं स्पेशल यूनिट हो गया, उसके लिए बेड्स होते हैं, वो बहुत जो कम वेट के बच्चे होते हैं, जैसे उनको मदर को चिपका के रखा जाता है वैसे बच्चे का वेट बहुत जल्दी बढ़ने लग जाता है। तो वो जो वॉर्म्थ मदर की होती है, उसके दिल की धड़कन है, उसके पास में बच्चे को लेके जाना चाहिए, अलग जगह पे बच्चा नहीं होना चाहिए जो दूसरों के पास दिया रहता है, या कोई बीमारी हो तब तो वो नर्सरी में रहे तब ठीक है, अदरवाइज मदर ने इमीडिएटली उसका शुरू करना चाहिए फिर दो दो घंटे में। यदि उसका कम उतरता है तो फिर टॉप फीड उसको देते हैं, लेकिन वो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मदर को जो बच्चे को फीड करती है उससे खाली बच्चे का ही फायदा नहीं होता, मदर के अंदर भी ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, उससे उसको जो ब्लीडिंग होती है ज़्यादा उससे वो बच जाती है, ये खुद का फायदा हुआ। और उसमें बिल्कुल ही शर्म नहीं करनी चाहिए। आज आप बाहर भी जाते हो तो आपको एयरपोर्ट्स पे, ट्रेन्स में, सब जगह फीडिंग के लिए जगह मिलती है, और आज कोई भी लेडी यदि बच्चे को फीड करती है तो उसका वो मतलब खराब सेंस में नहीं देखा जाता, उसको रिस्पेक्ट दी जाती है कि एक बच्चे को वो फीड कर रही है। इसलिए आप अपने बच्चे को उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, समझ लो उसको डायरिया ही हो गया, वॉमिटिंग्स हो गई, तो मदर मिल्क के जैसी कोई और दवाई नहीं जो उसको ठीक करेगी, तो इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दें। इसके लिए मिल्क अपना अच्छा कंजम्पशन रखें, अच्छी चीज़ें खाएं, जिससे आपका फीड अच्छे से उतरे, नहीं तो फिर अपने फीडिंग यदि नहीं आता है तो प्रॉपरली गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, स्टाफ्स होती हैं जो आपको पूरे तरह से मदद करती हैं, तो वो शुरू होने के बाद ही आप हॉस्पिटल से छुट्टी लें, तब तक आप हॉस्पिटल में रहें, और ये बहुत आपके फ़ायदे की बात है, तो इसमें पूरा ध्यान दें आगे।